फ्रेंड्स, आज हम हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर स्टूडेंट मास्टर बनाएंगे। अपन ने पिछली क्लासेस तक देखा, अपन ने एक एडमिन फॉर्म बनाया, उसमें हमने लॉगिन भी कर लिया, देन हमने हमारे मास्टर्स, क्लास मास्टर, सब्जेक्ट मास्टर, सेशन मास्टर बना लिए। आज हम हमारा बनाएंगे स्टूडेंट मास्टर। तो स्टूडेंट मास्टर बनाने के लिए मैंने एक फॉर्म ही ले रखा है। इस फॉर्म को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, देन हम इसके अंदर हमारे कॉलम्स ले लेते हैं, हमारे पैनल बना लेंगे। पहले मैंने एक पैनल बनाया, पैनल के अंदर मैंने दे दिया यहाँ पे स्टूडेंट मास्टर। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये बीच वाला पैनल लेते हैं जिसमें हमारे फील्ड सेट करेंगे। यहाँ मैंने ले लिया सब, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से लेते हैं प्रॉपर्टी स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम ले लिया अपन ने, फादर नेम के लिए एक हम लेंगे, एक हम एड्रेस के लिए लेंगे, देन एक हमको मोबाइल नंबर के लिए चाहिए और एक हम लेंगे जेंडर के लिए। ये पांच हमने इसके अंदर ले लिया हमारे लेवल्स ऑफ कंट्रोल्स। फादर नेम, उसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे एड्रेस, एड्रेस के बाद हम जाएंगे, हमने लिया यहाँ पे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर लिया और एक हम लेंगे यहाँ पे जेंडर। जेंडर के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे लेंगे कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स लेंगे हम यहाँ से, इसमें एक और कॉम्बो बॉक्स के अंदर हम लोग मेल फीमेल जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर हमने तीनों ले लिए। और अब इसकी प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको इसमें सेलेक्ट करना है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लेंगे एंड ऑटो कंप्लीट सोर्स में जाके लिस्ट आइटम किया और सजेशन अपेंड। इससे क्या हुआ कि हमको उसको टाइप करना, हम जैसे उसको वहाँ जाएंगे एडमिन 1 2 3 4 5 6, हम जैसे वहाँ गए यहाँ पे मेरा ये आ गया, और जैसे मैं F दबाऊंगा F आ जाएगा, T दबाऊंगा ट्रांसजेंडर आ जाएंगे। तो ये मेरा स्टूडेंट मास्टर का मैंने ले लिया। और एक हमको अब यहाँ पे लेनी है ग्रिड, जो भी टर्म सेव करेंगे उसको दिखाने के लिए। इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ, DGV स्टूडेंट कर दिया। हम इनके भी नेम्स को ठीक कर ले एक बार, TXT स्टूडेंट नेम, प्रॉपर्टी TXT फादर नेम, TXT एड्रेस, TXT मोबाइल। कॉम बॉक्स के लिए हम लेंगे CMB जेंडर। ये हमने हमारे कॉलम्स ले लिए, को रीनेम कर दिया और उनकी टेबिंग भी एक बार ठीक कर लेते हैं। ये हमने हमारी टेबिंग ठीक कर ली, हम एक बार इसको चला के देख लें। एडमिन 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट मास्टर में गए, हमारा टैब प्रॉपर काम कर रहा है। एक छोटा सा काम और कर लेते हैं हम इसके साथ, कि हमारा जो MDI फॉर्म है, उस MDI फॉर्म के अंदर हम उसको लिंक कर देते हैं। ये हमने टूल स्ट्रिप में जो लगा रखा है, उस टूल स्ट्रिप को ही मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने किया, अब मैंने एक गलती कर दी। मैंने क्या किया, मैंने इस मेन पे ही इसको लगा दिया। हमें मेन पे नहीं लगाना है, हमें करना है एड स्टूडेंट पर से। अब ये प्रॉपर हो गया फ्रेंड्स।
ये हमारा स्टूडेंट मास्टर का फॉर्म डिज़ाइन हो गया। अब इसमें हम एक दो चीज़ और कर सकते हैं, जैसे कि हमारे जितने कॉलम में नेम, फादर नेम, एड्रेस, इनको हम इनकी जो वो केसिंग है वो हम अपर केस रख सकते हैं। जैसे 1, 2, 3 प्रॉपर्टी में गए, या हमने कैरेक्टर केसिंग में गए, इसको हमने अपर कर दिया, तो इन तीनों के अंदर हमने अपर केस लगा दिया। तो इसमें सिर्फ अगर आपका कैप्स लॉक पूर्ण है या बंद है तो भी इसमें वो रहेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने हमारा स्टूडेंट मास्टर डिज़ाइन कर लिया। एक छोटा सा और कर दूँ मैं यहाँ पे चेंज स्टूडेंट मास्टर, तो ये हमारा फॉर्म डिज़ाइन है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी टेबल बनाएंगे और उसके अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का